गुड मॉर्निंग है जी सारे सब्सक्राइबर को, मेरे होने वाले सब्सक्राइबर को जो ये वीडियो देख के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और टाइम हो रहा है आज अभी, सॉरी डेट हो रही है 7 फरवरी और 8:15 का टाइम हो रहा है। और हम ट्रैवल करने वाले हैं अराउंड 250 किलोमीटर टू एंड देन 250 किलोमीटर फ्रो, तो 500 के आसपास का डिस्टेंस रहने वाला है, ओवर 500 किलोमीटर रहेगा। टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त 13 डिग्री, लिटिल से बारिश हो रही है। और गाड़ी मारुति नहीं, ऑब्वियसली ये देख के मारुति नहीं लग रही, वो दिखाओ तो प्लेट का फ्लेक्स कर दो एक बार फटाफट से। गाड़ी है इको स्पोर्ट, तो इको स्पोर्ट लेके जा रहे हैं और पेट्रोल पे है, मैं बता दूँ 1.5 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर, कोई टर्बो वर्बो नहीं, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। कंपनी क्लेम 15.9 का एवरेज है। और टू एंड फ्रो में हम देखने वाले हैं कि इसका माइलेज कितना निकलता है। करंटली तो ये दे रही है 14.5, और माइंड यू ये 806 किलोमीटर्स जितने आप ये जो देख रहे हो ये ट्रैवल हाईवे ट्रैवल के बाद सिटी ट्रैफिक के बाद है। एवरेज स्पीड देख के पता चल रहा है कि मतलब कितनी रुक के गाड़ी चली है। लगभग 500 किलोमीटर का इसमें हाईवे ट्रैवल रहा। टैंक टू टैंक नहीं करेंगे, एक बार थोड़ा सा भरेंगे, देन उसके बाद जो MID पे शो करने वाला है वही एवरेज रहेगा। उम्मीद 15.9 से तो ज़्यादा ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपनी क्लेम्ड है और टाइम है आराम से, तो 80 के अराउंड स्पीड रहेगी, आराम से चलेंगे, देखते हैं कितना निकालते हैं मैक्सिमम इस गाड़ी से। फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी हुई थी 350 किलोमीटर में 17 के आसपास आया था, 17 ओवर 17 आया था, मैं मेंशन कर दूंगा। तो मेरे को उम्मीद अब तो 10,000 के बाद सर्विस भी हो चुकी है, और उसके बाद से हमने प्यार से चलाया नहीं एक्चुअली, उसके बाद से ये गाड़ी 100 के ऊपर 100-120 पर क्रूज़ करी हाईवेज पे, तो इस वजह से अब बस इसी उम्मीद के साथ चलें। ज़्यादा कोई फ्रेम्स नहीं रखने वाले, पेट्रोल भरवाएंगे फिर उसके बाद रास्ता दिखाएंगे, कुछ बारिश में कुछ बढ़िया सा ऐसा दिखता है सीनिक वो दिखा देंगे, बस यही था इंट्रो। सो द टाइम राइट नाउ इज 9:38 और अभी किलोमीटर ट्रेवल कर लिए हैं 29, एवरेज रिटर्न करी 17.1 विद इन 30 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 10:27 और लूंकरन सर आए, पकोड़े ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम वापस से पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी के वापस निकलते हैं। फिलहाल नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि पकोड़े पकड़िए रहेगी, ठीक है भाई। 17.2 हो चुका है 68 किलोमीटर बाद। द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 4:30 और फिलहाल 246 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर एक्युमुलेटेड एवरेज आ रहा है 16.4। बट द थिंग इज अभी लास्ट के करीब 10 से 15 किलोमीटर सिटी ड्राइविंग रही है, और जिसके चलते एवरेज गिर चुकी है, और वापस से 5 घंटे का ड्राइव होने वाला है। एक बार फुल टैंक होगा तो एवरेज तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार फुल टैंक नहीं हुआ था, MID वाले पे डिपेंडेंट है अभी, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मैं ये सिंगल पार्ट में डाल रहा हूँ इसलिए छोटे छोटे शॉट्स रहेंगे। रात को जब तक डेस्टिनेशन पे वापस पहुंचेंगे कितने किलोमीटर होंगे, कितना एवरेज होगा वो उस पर पता चलेगा। सो द टाइम राइट नाउ इज 9:17
और किलोमीटर्स जैसा कि लास्ट में देखे आपने 285 समथिंग थे, अभी 455 हो रहे हैं, बीच में कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और इतना टाइम मतलब इतना किलोमीटर्स कवर करने के बाद 15.5 ऑब्वियसली बढ़ा तो नहीं, क्योंकि मैं हैवी फुटेड भी नहीं चला रहा, 110 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो 15.5 से वो 15.4 पे आ चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ETA हमने तोड़ा है लगभग 1.5 घंटे। इनिशियली ये दिखाया था 11:59 जो कि पिछले फ्रेम में आप लोगों ने देखा होगा, और अभी ये 10:34 दिखा रहा है। तो मान के चले अच्छा खासा हमने ETA तोड़ा है। तो ये एक मिक्स्ड हो गया, सुबह जाते वक्त एवरेज निकाल रहे थे, बीच में सिटी ड्राइविंग हो गई, और अभी हमने थोड़ा सा हाई स्पीड पे क्रूज़ किया, नॉट एग्जैक्टली हाई स्पीड, बस 100 पे। तो इस गाड़ी में 100 पे अराउंड 3000 RPM रहते हैं, तो एक उसका भी रेफरेंस मिल गया कि रियल टाइम एक जो नॉर्मल ड्राइविंग नेचर रहता है वैसा वाला आएगा। और अभी 15.9 जो कंपनी क्लेम्ड है उससे तो काफ़ी कम निकाल रही है। उम्मीद 15.9 से तो ज़्यादा ही कर रहा हूँ मैं, 15.4, बट ये स्टेग्नेंट हो चुका है क्योंकि हमने 455 किलोमीटर्स कवर कर लिए। तो ना अभी ये ज़्यादा बढ़ने वाला, ना ये ज़्यादा घटने वाला है, ऑलमोस्ट इतना रहने वाला है। 74 मोर किलोमीटर्स टू गो, और वही जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 500 किलोमीटर्स के आसपास हमारा टोटल डिस्टेंस कवर होगा। और अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं, ये पहला ब्रेक लिया इतने टाइम में, लाइक अराउंड 200 किलोमीटर्स में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया इतने किलोमीटर्स में हमने पहला ब्रेक लिया है। और ये सेम वही जगह जहाँ पे सुबह पकौड़े खाने के लिए रुके थे, तो चाय पियेंगे और फिर घंटे भर में 10:29 और एग्जैक्ट 1.5 घंटा हमने ETA तोड़ा। और ये आया है फाइनल पूरे दिन का एक ट्रिप समरी, 529 किलोमीटर्स जिसमें 54 का एवरेज स्पीड रहा, 15.3 की इसने एवरेज दी है। एंड देन अभी आप देखेंगे तो सेकंड ट्रिप के अंदर काफ़ी बेटर रही है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि हाफ टैंक भी नहीं हुआ है और 421 की रेंज दिखा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रिप। ये रहा कितना देती है सवाल का जवाब, कि कितना दे रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।